ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का डी लाइसेंस सर्टिफिकेट कोर्स का टाइम टेबल, जिसकी पूरी जानकारी डे वन से लेकर डे सिक्स तक सिर्फ इस वीडियो के अंदर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष प्रकाश और आप सब हैं जी स्पोर्ट्स प्ले फॉर इंडिया पर, जिसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं इन सारे वीडियो के लिए। डी लाइसेंस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देने। डे वन सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन रोल ऑफ कोच। सुबह 9:30 से 10 के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजर। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन, जिसमें आपको प्लेयर्स, ऑफिशियल और पेरेंट्स से किस प्रकार से बात करनी है सब्जेक्ट पे आपको डिटेल देंगे। दोपहर में 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का लंच टाइप रहेगा जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सब्जेक्ट रहेगा आपका वार्मिंग अप और कोचिंग चिल्ड्रन, जिसके कुछ वीडियोस दिखाकर आपको इस टॉपिक पे सिखाया जाएगा। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइजर आपको प्रोवाइड करेंगे। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक एक सब्जेक्ट रहेगा वार्मिंग अप विद बॉल, स्मॉल साइड गेम्स और कूलिंग डाउन, ये सारे तीनों सब्जेक्ट आपको क्लियर किए जाएंगे। डे वन के अंदर आपके 7 चैप्टर रहेंगे, इंट्रोडक्शन रोल ऑफ कोच, कम्युनिकेशन, वार्मिंग अप, कोचिंग चिल्ड्रन, वार्मिंग अप विद बॉल, स्मॉल साइड गेम्स, कूल डाउन, ये सभी आपको सिखाएंगे। डे टू के अंदर सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा पासिंग एंड सपोर्टिंग प्ले, इन दोनों चैप्टर के ऊपर आपको डिटेल से समझाया जाएगा। और 9:30 से 10 के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो प्रोवाइडर ऑर्गेनाइज करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर में 12 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लानिंग कोचिंग सेशन, सेशन किस प्रकार से लिया जाए उसकी सारी डिटेल आपको दी जाएगी। दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक आपका लंच टाइम रहेगा जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा मेथड ऑफ कोचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ प्ले, इन दोनों चैप्टर के ऊपर आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। शॉर्ट ब्रेक रहेगा आपका 3:30 से 4 बजे तक जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में 2 सब्जेक्ट रहेंगे बॉल कंट्रोलिंग और ट्रिबलिंग, इन दोनों के ऊपर आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। डे टू के अंदर भी आपने पासिंग, सपोर्टिंग प्ले, प्लेइंग कोचिंग सेशन, मेथड ऑफ कोचिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्ले, बॉल कंट्रोलिंग और ट्रिबलिंग जैसे कोर्स सीखेंगे। डे थ्री सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा अटैकिंग प्ले, 1 vs 1 और 2 vs 2 प्लेयर्स के कैसे खेलते हैं तरीका सीखेंगे। सुबह 9:30 से 10 बजे तक शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजर। 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा कोचिंग चिल्ड्रन, फुटबॉल टेक्निक एंड स्किल वीडियो, इसके ऊपर डिटेल से आपको सिखाया जाएगा। और लंच टाइम हो जाएगा दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच में जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा एज स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग देनी है वो डिटेल आपको सिखाई जाएगी। 3:30 से 4 बजे तक के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। शाम को 4:00 से 6:00 बजे के बीच में आपका सब्जेक्ट रहेगा डिफेंडिंग प्ले, 1 vs 1 और 2 vs 2 प्लेयर, इसकी डिटेल आप इसमें सीखेंगे। देखिए डे थ्री के अंदर आपने अटैकिंग प्ले, 1 vs 1, 2 vs 2, कोचिंग चिल्ड्रन, फुटबॉल टेक्निक, स्किल वीडियो, एज स्पेसिफिक ट्रेनिंग, डिफेंडिंग प्ले, 1 vs 1 और 2 vs 2। डे फोर के अंदर सुबह 8:00 से 9:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा शूटिंग, डिटेल से आप इस सब्जेक्ट के ऊपर इंस्ट्रक्टर के द्वारा सीखेंगे। सुबह 9:30 से 10 के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो प्रोवाइडर ऑर्गेनाइज करें। सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक आपके सब्जेक्ट रहेंगे स्पोर्ट्स सेफ्टी और न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एंड फर्स्ट एड, इन तीनों चैप्टर के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। दोपहर में 12:00 से लेकर 2:00 बजे तक लंच टाइम रहेगा जो ऑर्गेनाइजर देंगे। दोपहर में 2:00 से 3:30 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा लॉ ऑफ गेम, जिसमें फुटबॉल के सारे नियम आपको सिखाए जाएंगे इंस्ट्रक्टर के द्वारा। 3:30 से 4 बजे तक शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे आपको। शाम को 4:00 से 6:00 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा बेसिक गोल कीपिंग और स्मॉल साइड गेम्स, इन दोनों चैप्टर के ऊपर आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। देखिए डे फोर के अंदर आपने शूटिंग, स्पोर्ट्स सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, फर्स्ट एड, लॉ एंड गेम, बेसिक गोल कीपिंग, स्मॉल साइड गेम्स, ये सीखेंगे। डे फाइव सुबह 8:00 से 9:30 बजे तक का समय रहेगा, जिसके अंदर जो भी कैंडिडेट है वो अपना प्रेजेंटेशन देने का इसमें तरीका सीखेंगे।
9:30 से 10 के बीच में एक शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइजर आपको प्रोवाइड करेगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपका सब्जेक्ट रहेगा सेम रहेगा। कैंडिडेट अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। ये आपका एंडिंग सेशन चल रहा है। प्रेजेंटेशन देने के लिए जितने भी कैंडिडेट इस कोर्स के लिए आए हैं उन सभी को प्रेजेंटेशन देना है। तो आपको बेहतर रूप से ये सारी डिटेल जो भी आपने कोर्स के दौरान सीखी वो सीख कर आपको प्रेजेंट करना है। दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम रहेगा जो ऑर्गेनाइजर आपको प्रोवाइड करेगा। दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे का सब्जेक्ट रहेगा। जो सेशन रहेगा वो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक सेशन आयोजित किया जाएगा। 3:30 से 4:30 के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइजर आपको प्रोवाइड करेंगे। शाम को जो 4 से 6 बजे का टाइम रहेगा वो जो सेशन रहेगा पार्टिसिपेशन का उन लोगों के लिए रहेगा। तो ये आनंद आपको कोर्स करते समय ही इस सेशन का उठा पाएंगे। देखिए day 5 के अंदर आपको पता लग गया है कि कैंडिडेट के जो हैं वो प्रेजेंटेशन है और पार्टिसिपेशन का सेशन है, इन दोनों चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। डी लाइसेंस कोर्स करने वाले जितने भी कोचेज रहेंगे जो करना चाहते हैं फुटबॉल की जो बेहतरीन बेसिक कोचिंग कोर्स होता है वो इसकी सारी डिटेल आपको इस कोर्स में मिलेगी। वे सभी इस कोर्स को कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, जिनके पास फुटबॉल का अच्छा एक्सपीरियंस है खेलने का या खिलाने का, वे सभी कोर्स कर सकते हैं। वे सभी जो अपना पैशनेबल होते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं फुटबॉल के अंदर, जो मोटिवेटेड है स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वे सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी लॉग बुक कम्प्लीट करनी है क्योंकि वही प्रेजेंटेशन और सेशन के अंदर काम आएगी। सारी जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं उसके अंदर रिकॉर्ड के रूप में आपको रखना होगी क्योंकि इसके अंदर फाइनल असेसमेंट होता है, उसके लिए लॉग बुक की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। आपकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस उससे निकलती है और इसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट अवॉर्डेड किया जाता है। देखिए छठे दिन की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक के सब्जेक्ट्स हैं उसके सीक्वल चेंज हो सकते हैं, जो टाइम टेबल है वो चेंज हो सकता है इंस्ट्रक्टर के अनुसार। day 6 आपका 8:30 से 9:30 तक रहेगा और सेम सेशन इसके अंदर भी कंटिन्यू कर रहेगा पार्टिसिपेशन की जो भी रहेंगे उनके लिए। शॉर्ट ब्रेक रहेगा 9:30 से 10 बजे तक। 10:00 से 12:00 बजे तक आपका सब्जेक्ट रहेगा कोर्स का एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और इसके लिए आपको बेहतर रूप से तैयार रहना पड़ेगा हर तरीके से। लंच टाइम रहेगा दोपहर में 12:00 से 2:00 के बीच में जो ऑर्गेनाइज़र आपको प्रोवाइड। 2:30 से 3:30 बजे तक आपका सेम एग्ज़ाम्स रहेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें, प्रिपेयर रहें और अच्छे से एग्ज़ाम्स देना है आपको। 3:30 से 4:00 बजे के बीच में शॉर्ट ब्रेक रहेगा जो ऑर्गेनाइज़र आपको प्रोवाइड करेंगे। और अब है क्लोजिंग टाइम। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी जिन्होंने भी इस कोर्स को क्लियर करा है। शाम को 4 से 6 बजे तक आपके लिए रहेगा। 2021 से जनवरी के अंदर ई लाइसेंस कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन कोर्स रहेगा जो डी लाइसेंस से पहले करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों।